गेट 2011 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल सी माइनस 3z प्लस 4 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 डी जेड, वेयर सी क्या है, सी इज द सर्कल मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 इज गिवन बाय, इसका हमको इंटीग्रल का इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालना है। कैसे, ऑप्शन देखो 0 माइनस 1 बाय 10 4 बाय 5 1, कौन सा होगा। अब देखो इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, और हमको सिर्फ इस पार्ट का देखना है, एफ ऑफ जेड क्या है, माइनस 3z प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, ठीक है। अब देखो माइनस 3z प्लस 4, हमको इसको कैसे निकालते, जेड स्क्वायर प्लस 2 ए का वैल्यू जेड, बी का वैल्यू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो फिर माइनस 3z प्लस 4 जेड प्लस 2 तर होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखो माइनस 3z प्लस 4 जो होगा, अब देखो जेड प्लस 2, हम 1 को क्या लिख सकते हैं, प्लस 1 को माइनस आयोटा तर होल स्क्वायर, बिकॉज आयोटा का वैल्यू क्या है, रूट ऑफ माइनस 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस 1, और माइनस 1 पुट करेंगे प्लस 1, 1 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस 3z प्लस 4, अब देखो जेड प्लस 2 प्लस आयोटा, जेड प्लस 2 माइनस आयोटा, ओके। अब हमको सर्कल जो सी है मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 बोला है, ठीक है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है। अब देखो सपोज इसका मतलब इसका सेंटर होगा 0 0 पे, इसका रेडियस होगा 1 जो सर्कल होगा, तो सेंटर 0 0 रेडियस सपोज ए, तो क्या है रेडियस है 1 सेंटर 0 0, ठीक है। अब देखो अब जो पॉइंट होगा इस पर पॉइंट क्या पाएंगे हम, जेड इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस आयोटा एक निकाल लेंगे, और यहाँ से जेड इक्वल्स टू क्या निकलेगा, माइनस 2 माइनस आयोटा। अब देखो ए 1 से दोनों का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, ए माइनस का वैल्यू है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज का डायरेक्शन पे, और हमको रेडियस क्या है 1, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट जेड इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा माइनस 1 2 माइनस 1 और जेड इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, ये दोनों जो पॉइंट होगा ना वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा, बिकॉज 2 आ जाएगा, अगर यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा। और हम लोग जानते हैं क्या है, कॉच इंटीग्रल फार्मूला पे पहले वीडियो में डिस्कस किया है, अगर क्लोज इंटीग्रल सी डी जेड वाई जेड जेड माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब अल्फा क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, जब अल्फा एक्सटीरियर पॉइंट होगा तब क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या है, ये तो एक्सटीरियर पॉइंट, दोनों पॉइंट एक्सटीरियर, हम इस फॉर्म पर अगर इसको ले आएंगे तो क्या होगा, पूरा इंटीग्रल का वैल्यू इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी माइनस 3z प्लस 4 बाई जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, इसका वैल्यू क्या है, 0 है, समझ में आ गया, बिकॉज ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट एक्सटीरियर, ए भी एक्सटीरियर पॉइंट, और एक्सटीरियर पॉइंट होगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों का वैल्यू अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए प्लस बी ए बाई प्लस अगर पे, तो क्या होगा, दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फिर ये पूरे इंटीग्रल का वैल्यू क्या है, 0। एक गेट का क्वेश्चन था, ऐसे हमको सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।